तो ये देखो गाइस, कितने साल बाद ऐसा भाई मिला मुझे। जब मैं छोटा छोटा था तो ऐसे बर्फ बेचने आते थे और ये लोहे का सामान लेके और बर्फ दे के जाते थे। आज कितने साल बाद गुड़गांव में ये भाई मिला है, ये पता नहीं कहाँ गुम हो गया था। तो ये जो आप बर्फ बेच रहे हो, ये तो सन 57 में चलती थी, अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है। तो गाइस, पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो ऐसे कबाड़ा वबाड़ा जो होता था उसे दे के लोहे को और बर्फ बर्फ खरीद लेते थे। इसे बोलते थे बर्फ, बाद में इसे बोलने लग गया आइसक्रीम। दिखा भी कैसी बर्फ है तेरी, ये देखो। कौन कौन खाना चाहेगा बर्फ को? हैं? विशाल तू भी खाएगा? मैं दो दो दिला देना। तो लिटरली इस भाई को देख के ना इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। मेरी बचपन की याद ताजा होगी। गले मिल लो। भाई साहब, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे ही टूटे उटे कबाड़े दे के हम बर्फ खरीदते थे, गोला मिश्री खरीदते थे। अच्छी है, खाके देख। गाइस, गोला मिश्री का तो इतना ट्रेंड था ना, कबाड़ा उठा लेते थे लोहा और उससे गोला मिश्री लेते थे, बड़ा मजा आता था। तो गाइस देखिए, शायद ने दो दो आइसक्रीम ले लिया। तो गाइस, ये आइसक्रीम तो पता नहीं मुझे कैसी है, चेक करके देखनी पड़ेगी। बढ़िया है वैसे विशाल, क्या जेन्युइन रिव्यू है? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मंगलिक भी फेल कर दी हमारी। तो गाइस, ये देसी आइसक्रीम है, इसमें मिलावट नहीं पाएगी, ये तो बात तय है। जो भी होगा मिलावट नहीं होगी। बस गाइस, एक नंबर आइसक्रीम है ये, ऐसी लग रही है जैसे बूरा से बनाई हुई हो। ये घर पे बन सकती है? बहुत दिन बाद खाई है, सूजी उजी गिर रही है इसमें, मुझे लग रहा है। मेरी बात सुनो, इन्होंने तो खत्म भी कर दिया। तो गाइस देखिए, शायंस ने अपनी चड्डी कितनी गंदी कर ली है झूले पे, देखो ऐसा लग रहा है जैसे पिछवाड़ा काला हो गया हो, बिल्कुल काला। पोटी कर दी और धोई नहीं काफी दिनों से। और गाइस, यहाँ से कुछ व्यू चेक कीजिए। तो गाइस देखिए, कितना मस्त स्कूल है। ये स्कूल भी उन्होंने ही बनाया हुआ है, टीकली बॉटम वालों ने ही, उन्हीं के ट्रस्ट ने बनाया हुआ है। लिटरली बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है ये स्कूल भी, बिल्कुल ब्रिटिश आर्किटेक्चर पे बनाया गया और बहुत ही सुंदर स्कूल है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल है मगर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है उन्हीं की ट्रस्ट ने। देखिए, ये सोसाइटी जो इसे मैनेज करती है। और ये देखिए, तो यहाँ पे आके झूला झूलने लग गया विशाल। देखो काफी अच्छे अच्छे झूले हैं यहाँ पे, टूट सकता है ये, छोटा सा बच रहा है। ऊपर टूटा पड़ा है, दिख गया। और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ग्रीस की तरह अलग अलग डिजाइन के बने हुए हैं और अलग अलग कलर के पेंट किए हुए हैं। ये देखिए गाइस, ये हैं पबजी का साइड इफेक्ट, को ये नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस ये लगे पड़े हैं। ये देखिए गाइस, कितना मस्त आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर। तो गाइस, मैं आपको अच्छे अच्छे क्योट दिखाता हूँ। ये देखिए, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, एल्बर्ट आइंस्टाइन।